Good morning to all. In this lecture, we will synthesize Novalgene and we will learn its application. It is a drug which is used for curing. Now, first of all, we will learn what is Novalgene. And in this Novalgene, metamizole can be classified as a methyl derivative of melubrine, and it is additionally recognized product or prodrug of pyrimidone with enhanced solubility. तो basically अगर हम बात करते हैं कि ये क्या है, जो मेटामिजोल है टू द मार्केट विच इज अकर्ड इन जर्मनी, तो उसको नोवेलजीन के नाम से सेल किया गया इन द ईयर 1922. तो मेटामिजोल एक प्रकार का जो मिथाइल डेरिवेटिव है मिलिब्रीन का, वही नोवेलजीन के नाम से सेल होता है. मेटामिजोल आल्सो नोन एज डाइपायरोन, विच इज़ अ फार्मास्यूटिकल कंपाउंड यूटिलाइज फॉर एनल्जेसिक, एंटी पैस्मोडियम, एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टीज, और जिसको हम ओरली लेते हैं और या इंट्रावीनियस इन्फ्यूजन से हम इसको इंटेक करते हैं. तो बहुत सारी जो कंट्रीज हैं, ओवर द काउंटर एक्सेस टू इट सर्वल कंट्री परमिट्स. अदर नेशंस हैव इम्प्लीमेंटेड अ प्रोहिबिशन ऑन इट्स यूजेस. नोवेलजीन के लिए प्रोबेबल अकरेंस ऑफ एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज सच एज ऑर्गेनोलिकोसिस विच इन्वॉल्व्स पेरिलियस डिजीज इन द काउंट ऑफ वाइट ब्लड सेल्स. सो इन सम कंट्रीज नोवेलजीन इज एक्सेप्टेबल, बट सम कंट्रीज दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. मेटामिजोल इज क्लासिफाइड एज अ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग बिलोंगिंग टू द पायराज़ोलिन क्लास. इट हैज़ एनल्जेसिक एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टीज, और इसका जो स्ट्रक्चर हम देखें मेटामिजोल सोडियम करके, तो वो आइडेंटिफाइड एज ए केमिकल नेम सोडियम एन 2,3-dimethyl-5-oxo-1-phenyl-3-pyrazoline 4-aryl एंड मिथाइल अमीनो मिथिन सल्फोनेट. तो ये सोडियम सॉल्ट है इसका, सोडियम सॉल्ट ऑफ मेटामिजोल. इट हैज़ अ मोलर मास ऑफ 334.38 ग्राम पर मोल. इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज दिस बिकॉज वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इट्स स्ट्रक्चर. तो ये जो क्या है, क्रिस्टलाइन पाउडर के रूप में मिलता है, दैट एग्जिबिट्स अ वाइट और ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर. तो इट पजेस अ हाई सोलिबिलिटी इन वाटर एंड इज मॉडरेट सोलिबिलिटी इन एल्कोहल. नोवेलजीन की मेडिकल एप्लीकेशन की बात करें, तो प्राइमरी मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस सब्सटेंस इंक्लूड मैनेजिंग पेन ड्यूरिंग द पेरियोपरेटिव पीरियड्स, ट्रीटिंग अक्यूट इंजरीज, एलिविएटिंग कॉलिक सिम्टम्स, एड्रेसिंग कैंसर रिलेटेड पेन, मैनेजिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक पेन, रिड्यूसिंग हाई फीवर एंड डज नॉट रिस्पॉन्ड टू अदर मेडिकेशंस. दैट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू अदर मेडिकेशंस. तो इस बहुत सारी इसकी मेडिकल एप्लीकेशंस है. नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसकी? मेटामिजोल पजेसेस द पोटेंशियल टू इंड्यूस ब्लड रिलेटेड टॉक्सिसिटी, स्पेसिफिक ब्लड डिस्केरेसिस. हाउएवर इन कंपैरिजन टू नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, इट एग्जिबिट्स अ लोअर प्रोपेंसिटी फॉर इंक्लूडिंग किडनी, कार्डियोवास्कुलर एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल टॉक्सिसिटी. तो इसकी इतनी सारी कॉन्सिक्वेंसेस हैं. इट हैज़ अ पोटेंशियल टू इंड्यूस ब्रोंकोस्पाज्म और एनाफिलैक्सिस, पर्टिकुलरली इन दोज विद एस्थमा. सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट्स इनकम्पस ऑर्गेनोलिकोसिस, एपिलेप्टिक एनीमिया, हाइपर सेंसिटिविटी इवेंट्स सच एज एनाफिलैक्सिस, ब्रोंकोस्पैज्म, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस एंड द पोटेंशियल टू इंड्यूस एक्यूट पोरफायरिया अटैक ड्यू टू इट्स केमिकल सिमिलरिटी टू सल्फोनामाइड्स. तो इस प्रकार से जिसका इन्फ्लुएंस हम देख सकते हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ जेनेटिक ऑन द ससेप्टेबिलिटी टू मेटामिजोल, मेटामिजोल इज अ पोटेंशियली सब्सटेंशियल. नाउ सिंथेसिस करते हैं इसकी. सिंथेसिस करने के लिए सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड हो गया फिनाइल हाइड्राजीन और 3-ethyl-3-oxobutanoate. इसके साथ रिएक्शन करने पर हमें देखने को मिल रहा है कि इसकी जो दोनों नाइट्रोजन है
वो रिएक्शन कर रहे हैं और दोनों नाइट्रोजन रिएक्शन कर रहे हैं, पहले एक नाइट्रोजन रिएक्शन करेगा फिर दूसरा करेगा, तो जिससे इसके एक साइक्लिक प्रोडक्ट बना है पेराजोल के फॉर्म में, और उसका फिर मीथेन के साथ रिएक्शन करेंगे तो मीथेन का उसमें इंट्रोडक्शन हो जाएगा नाइट्रोजन पे, और सोडियम NaNO2 के साथ फिर फर्दर इसके रिएक्शन करने पर तो जो इसका जो एक और पोजीशन थी बॉन्ड की उस पे हमारे पास NO ग्रुप जुड़ जाएगा, उसका हम रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन करने पर NO फिर NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले जो एक सिंपलेस्ट स्टेप में हमें मिला 4-amino-1-5-dimethyl-2-phenyl-1-2-dihydro-3-H-pyrazole-3-ON। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो हमें प्रोडक्ट मिला था उसका हम रिएक्शन कराएंगे फर्दर। फर्दर रिएक्शन करने पर हमें देखने को मिल रहा है जैसे हमारे पास ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो इस एल्डिहाइडिक ग्रुप में बेंजल्डिहाइड हमारे पास है, तो इसकी रिएक्शन हम फिर फर्दर इस नाइट्रोजन NH2 के साथ रिएक्शन होगी, और NH2 के साथ रिएक्शन होगी तो ये सीधे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा, न्यूक्लियोफाइल NH2 जो है वो अटैक कर रहा है इस कार्बन पे, और फाइनली जो हमें एक प्रोडक्ट मिला उसकी हम रिएक्शन कराते हैं सल्फोक्साइड्स के साथ, मिथाइल सल्फोक्साइड के साथ। तो वो फर्दर ये क्या करेगा, जो नाइट्रोजन है उसमें CH3 ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देगा, और CH3 ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने पर फिर इसकी इसमें से जो बेंजल्डिहाइड है वो निकल जाता है और मिथाइल सल्फोनेट भी इसमें से निकल जाता है। तो बेंजल्डिहाइड जैसे निकलता है तो ये NH जो जिसमें बेंजल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ था उस NH में CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा, जुड़ा हुआ जो एज इट इज रहेगा, क्योंकि N पॉजिटिव, N के ऊपर पॉजिटिव होने से क्या है स्टेबिलिटी कम दिखाएगा, तो जिसकी वजह से यहाँ से H2O का जो इसमें इंट्रोडक्शन कराया था तो NH2 के इंट्रोडक्शन से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर जुड़ जाएगा OH, इधर जुड़ जाएगा H, तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H इसमें बनता है, तो ये बेंजिल्डिहाइड ये वाला पोर्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो फाइनली हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पर सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हम इसको कह सकते हैं, H2SO4 की जगह पे SO3 है यहाँ पे, सल्फ्यूरिक एसिड तो नहीं सल्फोक्साइड हम इसको कह सकते हैं, तो सल्फेट जो है वो रिएक्शन करेगा और फाइनली हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो मेटामिजोल सोडियम मिल रहा है, जिसको नोवेलजीन के नाम से मार्केट में जाना जाता है। तो दिस इज़ दी एंड ऑफ दिस लेक्चर, एंड इफ यू लाइक दिस कंटेंट सो हिट द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब गुरुकुलम ज्योति चैनल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क योर डाउट्स बाई कमेंटिंग बिलो दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।